हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रूवीज क्राफ्ट किचन। फ्रेंड्स, आज रूवी की क्राफ्ट किचन में बना है मूंग दाल की कचौरी, एकदम खस्ता और करारी। कचौरियाँ तो सबके घरों में बनती हैं, लेकिन हर घर की रेसिपी थोड़ी अलग होती है, तो शायद मेरी भी रेसिपी कुछ अलग मिल जाए आपको। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड, इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 कप मैदा, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक, और आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी जाएगा, और इन दोनों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। और फिर हम ये है देसी घी, और देसी घी का मोयन देंगे इसमें। आप भी देसी घी का ही डालते हैं या ऑयल का डालते हैं, आप मैं कमेंट करके बताइएगा। और इसको हम अच्छे से मोयन दे देंगे इस तरीके से। तो थोड़ा सा ऐसे हाथों को आटे में लेके मुट्ठी टाइप का बनाते हैं, तो इसका मतलब ये मोयन का मतलब कितना घी डालना है इसी से हमें पता चल जाता है। अगर कम ज़्यादा लगे तो ऐड कर लीजिएगा, बस मोयन का ये सबसे परफेक्ट मेजरमेंट होता है। अब पानी के साथ हम इसका बहुत टाइट भी नहीं लेकिन बहुत सॉफ्ट भी नहीं मीडियम सा आटा गूंथ के तैयार करेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ कि ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा गिर जाए और आटा थोड़ा सा ढीला हो जाए। तो इस तरीके से देख रही है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा टाइट ही है और बहुत टाइट नहीं है। इस तरीके मैंने आटा गूंथ के और इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर ढक के रख देंगे, और जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक बनाएंगे मूंग दाल की फिलिंग। तो फ्रेंड्स, ये है पीली वाली मूंग की दाल बिना छिलके वाली, इसी की कचौरी बनती है। तो इसे हमें 2 घंटे के लिए भिगो के रखना होता है, तो ये अभी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने इसे पहले से भिगो के कुछ रखा है, वो आपको दिखाती हूँ। और भिगो के रख के और उसको फिर हमें पानी से थोड़ा सा ड्राई भी करना होता है। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, उसके बाद इसको छन्नी के ऊपर रख दिया था ना, तो इसका सारा पानी निकल गया है और एकदम ये ड्राई हो गया है। क्योंकि पानी हल्का भी रह जाता है, क्योंकि हमें इसे पीसना होता है तो बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो जाता है। तो छन्नी में आधे पौन घंटे के लिए रख दो ना तो एकदम, या फिर गीले कपड़े से टॉवल से इसको पोछो। तो ये देखिए अच्छे से, कितना अच्छे से ड्राई हो गया। अब हमें इसे, मैंने इसे जार में डाल दिया है, और इसे हमें दरदरा पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए, ये हल्का सा दरदरा ही रहता है, क्योंकि आप भी अगर बनाते होंगे या मार्केट से लीक के आते होंगे तो आपको दिखता होगा कि दरदरा कहीं कहीं बीच बीच में दाल के भी पोर्शंस होते हैं। तो मैंने हल्का सा दरदरा ही इसको इस तरीके से देखिए पीस के रेडी कर लिया है। और चलिए अब इसका मसाला बनाना तैयार करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 3 बड़े चम्मच के करीब ऑयल है, और ये है जीरा, थोड़ी सी सौंफ, और ये है खड़ी धनिया जिसे मैंने हल्का सा दरदरा कर लिया था कूट के, तो आधा आधा हो गया है, थोड़ी सी हींग, और ये है बारीक कटा हुआ अदरक। और इन सबको डाल के हम हल्का सा भून लेंगे, यानी कि हल्का सा ये पक जाए तब डालेंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। और ये मसाले, सूखे मसाले डाल के और इसे और आँच यहाँ पे धीमी रखेंगे, क्योंकि ये पाउडर मसाले होते हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो एकदम धीमी आँच पे इसे डालेंगे और हल्का सा ये सेक लेंगे। तब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा। हाँ फ्रेंड्स, मैं तो मैदा ज़रूर डालती हूँ, इसे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, लेकिन मैदा भी हमें एकदम धीमी आँच पे ही भूनना है, क्योंकि भुने मसाले पहले डाल दिए थे हमने, और धीमी आँच पे भूनेंगे। अब ये कितनी देर भूनना है, तो इसके बेसन की तो सबसे अच्छी पहचान ये होती है फ्रेंड, कि इसमें इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है, मुझे तो आधी चीज़ें खुशबू से आइडिया लग जाता है। तो ये देखिए अच्छे से भून गया है, फ्लेम अभी भी धीरे कर रखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है कसूरी मेथी। इस पता ही है आपको, ये कसूरी मेथी भी हर चीज़ में कितनी अच्छी लगती है। अब इसमें डाल देंगे जो हमने दाल पीस के रखा है। अब इसमें मैं ये दाल ऐड कर देती हूँ। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे दाल को थोड़ी देर भूनेंगे, क्योंकि देखिए अभी गीला है, लेकिन हम ये जैसे जैसे इसे भूनते जाएंगे ना ये ड्राई होता जाएगा, ये मसालों के साथ भूनते भूनते अच्छा सा ड्राई हो जाता है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक, इसलिए दोनों का हिसाब से डालेंगे कि मसाला ज़्यादा तेज ना हो। और ये है आमचूर पाउडर, और हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, और अब हम धीरे 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 थोड़ी देर तक इसे भूनेंगे, भूनते भूनते एकदम इस तरीके से ड्राई हो जाएगा, यानी कि हमारा मसाला बनके रेडी हो गया है। बस इस तरीके से जब खिला खिला अलग अलग हो जाए ना फ्रेंड्स, तो समझिए ये मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसे फ्लेम से उतार देते हैं और चलते हैं अपनी कचौरियाँ बनाने के लिए। ये देखिए आटा भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, और इसे थोड़ा सा और इस तरीके से मसल लेंगे, और जिस साइज़ की आपको बनानी है
उस साइज की रोटी की साइज की ही मतलब छोटी छोटी सी लोइयां बना के रेडी कर लेंगे। और इस तरीके से जैसे आप और किसी का कचौरी बनाते हैं, आलू का पराठा बनाते हैं, आप जिस तरीके से फीलिंग करते हो, सब सबका अलग अलग तरीका होता है। मुझे तो ये बहुत ईजी, मैं तो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से गैप करेंगे, इसमें एक से डेढ़ चम्मच डालेंगे दाल का मसाला, और ये अंगूठे से इस तरीके से दबाते हुए साइड से उंगली से दबाएंगे तो बहुत अच्छे से बहुत इजी तरीके से ये अंदर से फिल हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। और इसे पूरा अच्छे से पैक करेंगे। हाँ, पैक कर लेंगे ना फ्रेंड, क्योंकि कचौरियाँ फूलती हैं तो ऊपर से ना ये जहाँ से हम जॉइंट करते हैं ना तो वहाँ से खुल जाता है, इसलिए इसको अच्छे से दबा देंगे। और छोटे छोटे से हल्के से बेल लें या हथेली से दबा लें। और इस तरीके से बना के मैंने थोड़े से ये रेडी कर लिए हैं। और चलिए अब इसे तलना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं बनाई है। और देखिए यहाँ पे तेल गरम हो गया है, लेकिन फ्लेम मैंने मीडियम टू लो करके रखा है, बहुत तेज नहीं करेंगे। बहुत तेज करने से ना अजीब सी बबल्स आ जाती हैं कचौरियों में, इसलिए फ्लेम नीचे मतलब धीमी करके रखेंगे और इसको डाल के छोड़ देंगे, तुरंत नहीं पलटेंगे। और धीमी आँच पे इसको आराम से, क्योंकि आपको समोसे बेचने वालों को देखा होगा, वो इतने सारे भर देते हैं और धीमी आँच पे बहुत छोड़ देते हैं, तो एकदम खस्ता सी करारी सी ये बन के तैयार होती हैं। तो जब एक साइड से अच्छे से पक जाए तब हम इसे पलटेंगे। और फिर ये देखिए कितनी अच्छी सी फूली फूली सी हो गई हैं ये। और जे कलर थोड़ा सा डार्क या लाइट जैसा आप पसंद करते हो, क्योंकि पूड़ियाँ तो बहुत मोटी हैं नहीं, तो बहुत अच्छे से सिक्के रेडी हो गई हैं। तो मैं इसे अपने टिश्यू पेपर पर निकाल देती हूँ, क्योंकि ऑयल तो ज़्यादा इसमें है नहीं, तो भी जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, गर्मा गर्म टेस्टी सी कचौरी बनके रेडी हो गई है। इसी तरह मैं सारे तल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम कितनी फूली फूली सी बनके रेडी हुई है, एकदम खस्ता सी हमारी कचौरी। और ये देखिए मेरी प्लेटिंग भी रेडी है, कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक